मॉर्निंग हाय फ्रेंड्स, आप आपके परिवार कैसे हैं? जरूर अच्छे होंगे, खुश होंगे भगवान का आशीर्वाद से। सुबह का अभी 8 बज चुका है। मेरा रोज का काम खत्म करके नहा करके पूजा करनी है, नाश्ता कर लिए। अभी आलू परवल और प्याज थोड़ा ज्यादा देके फ्राई कर रहे हैं। इधर आटा सामने तवा भी गैस पर बैठा दिए हैं। सोमा भी अपना काम कर लिए, घर झाड़ू पोछा सब कर लिए। आलू परवल का प्याज देके ज्यादा थोड़ा प्याज दे दिए, परवल कम था बोल के, इसीलिए इधर फ्राई रखा है। इधर मेरा चूल्हा में गैस चूल्हा में मतलब तवा बैठा के गर्म भी हो चुका है, रोटी भी मतलब बेल चुके हैं एक, अभी डालेंगे उसको, डाल ही देते हैं। सोमा घर झाड़ू पोछा, गुड मॉर्निंग बोलो सोमा। सोमा बाल उल बिखर गया पूरा, बाल उल नहीं बनाई अभी, खाली घर उर साफ कर रही थी। नाश्ता मतलब सुबह का नाश्ता बन के रेडी हो गया है। आज परवल आलू का फ्राई हुआ, आज रोटी खा रहे हैं, एक ही तो खाते हैं तो रोटी खा रहे, आज पराठा नहीं खाएंगे। और सोया बड़ी का सब्जी था रात का, तो हम नहीं खाए थे रात को, डिनर नहीं किए थे, तो मेरे लिए था, भैया भी खाया। चले नाश्ता करने, मम्मी भी नाश्ता करेगी, करिएगा ना नाश्ता। हम रात को डिनर नहीं किए थे इसीलिए भूख लगा था, दूध दे के एक गो रोटी खा लिए, अभी खाने को मन है तो खाएंगे नहीं तो नहीं। ये देखिए बैठा है, वो भी बैठा, वो नाश्ता कर लिया, ये भी दूध पी लिया है, थोड़ा सा है बाकी। चले नाश्ता करने, हम कर लेते नाश्ता। नाश्ता हो गया था, आप लोग से तो शेयर कर रहे थे। आज कच्चा केला आलू मम्मी इधर फ्राई की है, इधर अंडा उबल गया है, और क्या क्या बनेगा मेरा कुछ पता नहीं। उड़द दाल का बड़ी मम्मी शायद फ्राई करेगी, उसका कड़ी बनेगा है ना मां। और दो जन बैठा हुआ है, वो तो इतना वाइट है कि दिख भी नहीं रहा है कैमरा में, बैठा है लेकिन नहीं दिखेगा आप लोग को, पास जाने से दिखेगा। कहाँ गया रे, ये तो बैठा है, ये उठ के जा रहा है उसके पास। और मम्मी इधर अपना काम कर रही है, हम भी कामे कर रहे थे, अभी थोड़ा सा बैठे थे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है अंडा सब। चावल चढ़ा दिए हैं, पानी भी गर्म हो चुका था, अभी चावल तुरंत धो के छोड़े हैं। और आज एक तो न्यू रेसिपी आप लोग से, फुल रेसिपी दिखाए नहीं क्योंकि आप लोग सबको ही अंडा करी जानते हैं, हम अंडा आलू का करी आप लोग को दिखा भी चुके हैं, लेकिन आज कच्चा केला और आलू और अंडा देके करी बनाए हैं, और केला का छिलका का चटनी बनाए हैं, और उड़द दाल का बड़ी को फ्राई करके आज पहले से इसको मतलब दरदरा कूट के रख दिए हैं। इधर प्याज और हरा मिर्चा दरदरा कूट के रख दिए, इसमें सरसों का तेल और नमक डाल दिए क्योंकि प्याज पहले से थोड़ा दरदरा कूटने से सैंड मारता है, लेकिन तेल और नमक डाल देने से सैंड नहीं मारेगा, इसीलिए दे के रखे। आप खाने का टाइम लंच के टाइम ये करेंगे, पापड़ फ्राई करेंगे। आज का लंच का मेनू यही है। अभी शाम का 5:30 बज रहा है, मम्मी आज लंच अच्छा से नहीं की थी क्योंकि आज एक कड़ी बना था ना, फिश कड़ी नहीं बना था ना, ना मटन कड़ी, मटन भी बनने से मम्मी ज्यादा नहीं खपते और हम भी नहीं, फिश बनने से हम रोटी आज दो को खाए थे। तो जाके हम थोड़ा नाश्ता लेके आ गए, शाम का नाश्ता, एक आलू चप, एक समोसा, दो काला जामुन दिया कि गुलाब जामुन दिया है, काला जामुन दिया है लाए हैं हम, और एक सेव का पैकेट और बिस्किट पैकेट लेके आए थे टॉफी के लिए, टॉफी भी नहीं किया, खाना खाना नहीं खाया। ताजा खबर है हम लोग का यहाँ ना, एक तो RSB बोल के बड़ा सा कंपनी है यही बगल में, हम लोग तो इंडस्ट्री का अंदर में ही रहते हैं ना, एक कंपनी का अंदर में दो तेंदुआ घुस गया है, ठीक है, दो नहीं एक ही घुस है, एक ही को घुसा बेटा, कल एक ही बोला था घुस गया, घुस करके आदमी दोनों को भी दो आदमी सुनने जख्म कर दिया, क्यों पता अभी तो वन विभाग को खबर नहीं, सूचित नहीं किया गया, पता नहीं फिर से वो तेंदुआ कहाँ गया पता नहीं। सुबह उठ के झाड़ू उड़ू करते हैं, डर लगता है, फिर बच्चा है वो हस्बैंड सब बाहर जाते आते हैं, सबका घर में सबको ही डर लगता है, कहाँ तेंदुआ कभी भूख के ना मारे किसी को, ये कर ले टक्कर ले, इसीलिए डर लगा। अभी सोमा गई थी दुकान नाश्ता लाने के लिए, सुन के आई तो कल बेटा न्यूज में दिखा रहा था मेरे को, फिर आज भी सोमा सुन के आई तो और दिक्कत लग रहा, भूल गए थे अभी याद।
वो किधर रेल का रेलवे स्टेशन का उधर की इधर है पता नहीं, थोड़ा थोड़ा सा सुने, ज्यादा नहीं सुने, हम तो किसी से पूछे नहीं, बस सुने कान में। थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। मेरा तो समोसा फेवरेट है, मम्मी का आलू चप फेवरेट है, लेकिन यहाँ का आलू चप हम लोग कुछ खास नहीं। हम लोग रहते हैं जमशेदपुर का अंदर गामेरिया में, ठीक है। ये गामेरिया के बगल में हम लोग मतलब जो ये है कंपनी है RSB, तो ना सोमा RSB वहीं पर तेंदुआ पूरा घुसा है। वन विभाग आए हैं पकड़ नहीं पाए, 17 तारीख से परेशानी है। तेंदुआ भी कंपनी के अंदर है कि बाहर है कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन है तेंदुआ एक कर्मचारी को मतलब कंपनी का एक कर्मचारी को मतलब थोड़ा सा एक कर्मचारी ना दो गोरे सुमा एक कर्मचारी को घायल कर दिया है। और पता नहीं वो बाहर जाएगा कि क्या, पता नहीं कंपनी में कैसे आया समझ में नहीं आ रहा। बेटा बोला था मम्मी कंपनी के अंदर में जो गाड़ी में लोहा का चीज नहीं आता, वही गाड़ी में, गाड़ी शायद कहीं जंगल तरफ से आया है, वही गाड़ी का अंदर कहीं बैठ के वो आ गया कहीं जंगल से। तो क्या करेगा, जब रात को गाड़ी रुक गया वहाँ उतर गया, कंपनी के अंदर में था। कंपनी का 9 साढ़े 9 बजे जब कंपनी मतलब ऑफिस सब खोला हुआ, कंपनी गेट खोला हुआ, तब आदमी आना जाना करने लगे, तब एक वो कहीं छिप करके बैठा था किसी का ऊपर, मतलब ये कर दिया मतलब किसी का ऊपर मतलब हाँ हमला कर दिया। वही अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा सुन के, क्योंकि डर लग रहा अभी ना कौन तरफ जाएगा क्या जाएगा समझ में नहीं आ रहा। हम सुबह काल से बाबू बोला तो उठ भी नहीं पा रहे जल्दी से, कहीं पता नहीं वो तो अपना मतलब जो सब जोड़ी बांध करके जंगल का अंदर वो लोग अपने सब थे वहां से बिखर गया, तो अभी किधर खाना उना भी उसको मिला कि नहीं पता नहीं, इसीलिए गुस्सा में भी है। और वो भी घायल हो गया है, वो भी शीशा उसा फोड़ करके निकला है कंपनी के अंदर से, तो वो भी घायल हो गया है। इसीलिए समझ में नहीं आ रहा हम लोग को, हम लोग का यहाँ का आदमी सब कोई डरा हुआ है, वन विभाग का आदमी भी लगे हुए हैं उसको पकड़ने के लिए, समझ में नहीं आ रहा। माँ बेटी तो अंदर में है लेकिन उसका पापा और बेटा हमेशा बाहर में रहते हैं, तो इसीलिए डर लगता है। और बाकी आदमी को भी किसी का ऊपर कुछ घायल ना हो, जैसा तेंदुआ को भी जैसा कुछ ना हो पकड़ जाए वन विभाग से, और आदमी का भी जिस जैसे कुछ ना हो किसी का, भगवान करे। ऐसे डर लग रहा, माँ बेटी सोच रहे हैं शाम से, अच्छा नहीं लग रहा। सोमा जान गई थी नाश्ता लाने के लिए, सुन के आई कल पेपर में हम पढ़े, फिर हम लोग पेपर निकल करके फिर हम लोग माँ बेटी पढ़े, सही ना झूठ नहीं सही है। बड़ी डर लग रहा तेंदुआ का, एक बार पढ़े थे कहाँ पर दिल्ली के मुंबई में कोई कॉलोनी में घुस गया था तो पूरा घायल करा था, वहां तो वन विभाग ने पकड़ लिया था, यहाँ पर पकड़ नहीं गया है। क्या पता कंपनी के अंदर ड्रोन छोड़े हैं ऊपर से, पिक्चर लिया जा रहा कहाँ पर है बोल के, पकड़ा जाएगा तो ठीक बात। कल का पेपर में जैसा भगवान करे आया जैसे पकड़ा गया बोल के, उसका भी जैसे कुछ क्षति ना हो और आदमी लोग को भी कुछ क्षति ना हो, ऐसे ही मतलब सोच रहे हैं चिंता कर रहे हैं भगवान क्या करते हैं पता नहीं। अभी प्रॉब्लम आ गया है हम लोग का, यहाँ अगल बगल में कोई जंगल नहीं है, है मतलब है जमशेदपुर का बगल में है, लेकिन हम लोग जहाँ रहते हैं इसमें एरिया में कुछ जंगल नहीं है, तो इसीलिए हम लोग आज तक ये सब को डर नहीं था, लेकिन पहली बार ये डर आया है। समय रोटी बना रही है, हम लोग माँ बेटी नाश्ता कर लेते, भूख नहीं लगा। दिन का जो अंडा और कच्चा केला आलू का सब्जी बनाते वो है, सुबह का आलू परवल का फ्राई है, आलू परवल और कुंदरू का, नहीं कुंदरू नहीं, आज आलू परवल का फ्राई रख दिए, कटोरा और अंडा आलू करी एक कटोरा है, बाप बेटा का हो जाएगा। हम लोग का अब नहीं करेंगे डिनर, चिंता में लगे हुए हैं। फोन करे थे अभी बेटा को, सबको, उसका पापा तो अभी आए थे घर, उस बेटा को अभी फोन करे थे कहाँ पर है जल्दी घर आ जाओ, डर लग रहा है। आ गया ना बेटा भी, आ गया पापा भी आ जाएंगे तो डर थोड़ा मुक्त हो जाएंगे। रात को सो नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम लोग का बाथरूम जो है वो घर का अंदर है, लेकिन कहीं गेट खोल के गाड़ी में वो बेटी बोली नहीं आएगी कंपनी का, नहीं आएगा कंपनी का अंदर है तेंदुआ, भगवान जानता है नहीं आए, वो पकड़ा जाए वन विभाग से, वन विभाग उसको ले जाए सुरक्षित, और आदमी लोग सब भी जैसा सुरक्षित रहे भगवान। सोमा रोटी बना चुकी है,
बैठे थे उधर ही, बेटा बता रहा था तेंदुआ का बात। तेंदुआ शायद कंपनी से निकल गया, कुछ पता नहीं चल रहा अभी। वही बात सुनते सुनते थोड़ा तकलीफ हो रहा। ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं करते हैं, काल नए ब्लॉग में फिर आप लोग से मिलेंगे। खुश रहिए, अच्छा से रहिए, मेरा ब्लॉग जरूर देखिए। गुड नाइट, बाय। किसी का ना तकलीफ हो, भगवान जैसा ही सब सबका साथ अच्छा रहे।